हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। इसमें इतिहास इसका जानेंगे कि कब से शुरू हुआ, किस लिए दिया जाता है और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, और 2017-18 के नोबेल पुरस्कार किसे दिए गए, सब कुछ जानते हैं। अल्फ्रेड नोबेल एक व्यक्ति थे जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1833 में हुआ स्वीडन में, और इन्होंने डायनामाइट की खोज 1867 में की, और इसका परीक्षण 10 दिसंबर 1896 में कर रहे थे, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें, एक वर्ष में एक विषय में एक सब्जेक्ट में अधिकतम 3 लोगों को मिल सकता है। मतलब समझ रहे, जैसे भौतिकी है तो भौतिकी में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों से ज़्यादा को नहीं दिया जा सकता है, 3 लोगों को दिया जा सकता है। यहाँ बता दें कि नॉमिनेट जिन व्यक्तियों को दिया जाता है वो नॉमिनेट अक्टूबर में होते हैं और दिसंबर में ये वितरण होते हैं। चलिए अब क्षेत्र की बात कर लेते हैं, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। भौतिकी व रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र। शांति का जो नोबेल प्राइज है ये नॉर्वे में दिया जाता है, और बाकी के जो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र ये स्वीडन में दिए जाते हैं। और अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है ये 1967-69 से मिलना शुरू हुआ, और ये पाँच हैं जो शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, ये 1901 से मिलने शुरू हुई। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय विजेता देख लेते हैं अभी तक के। पहला है भौतिकी और रसायन क्षेत्र में देखते हैं, तो फर्स्ट टाइम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1863-83 में, उन्नीस सौ तेरासी में चंद्रशेखर सीमा के क्षेत्र के लिए मिला है। ये भारतीय मूल के विदेशी थे। दूसरे हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें 1930 में रमन प्रभाव क्षेत्र के लिए मिला। और तीसरे हैं वेंकट रमन, ये भारतीय मूल के विदेशी थे, 2009 में प्रोटीन निर्माण हेतु मिला है इन्हें। चलिए अब अगला देखते हैं, चिकित्सा। इसमें हर गोविंद खुराना है, जिन्हें 1968 में मिला अनुवांशिकी कोड व प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ये भारतीय मूल के विदेशी हैं। तीसरा है साहित्य, साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है 1913 में गीतांजलि के लिए, ये प्रथम भारतीय पुरुष हैं। दूसरे हैं बी एस नायपाल, भारतीय फिरवासी हैं, वंशज हैं, 2002-2001 में मिला था इन्हें। अब है शांति, शांति में मदर टेरेसा को 1979 में समाज सेवा के लिए, प्रथम भारतीय महिला थी ये। और दूसरे हैं शांति में कैलाश सत्यार्थी, 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला था इन्हें। अर्थशास्त्र में इसमें अमृत सेन को मिला 1998 में, ये प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। चलिए मरणोपरांत देख लेते हैं, मरने के बाद किन किन लोगों को मिला है। दो लोगों को मिला है अभी तक, एरी एक्सेल 1931 में और डेंग डेमम शोल्ड 1961 में। आपको यह बता दें कि 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, घोषणा की थी ये उन्होंने संस्था ने, और 1974 से आपके मरने के बाद किसी को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। चलिए आगे देखते हैं, पहला नोबेल पुरस्कार है जो पहली रेड क्रॉस सोसाइटी थी, कोई संस्था जिसे पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला था, 1917 में मिला इसे, 1944 में मिला, 1963 में मिला। और पहली महिला थी मैरी क्यूरी, इन्हें 1903 में मिला और 1911 में मिला। आपको बता दें कि मैरी क्यूरी हैं, इनकी बेटी को भी, जूलियट क्यूरी को भी मिला है 1935, और इनके जो पति थे मतलब हस्बैंड, उन्हें पेरे क्यूरी, इन्हें 1903 में मिला था। अब हम विदेशी मूल के भारतीयों की देख लेते हैं, में रोनाल्ड रास अल्मोड़ा ने मलेरिया शोध के लिए 1902 में मिला। दूसरे हैं रोड रोड यार्ड किपलिंग, ये मुंबई में थे कि थे पहले। साहित्य में इन्हें 1907 में मिला, मदर टेरेसा शांति का इन्हें 1979 में मिला। ठीक है, तीन व्यक्ति हैं विदेशी मूल के भारतीय। चलिए अब देखते हैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को देखते हैं। दलाई लामा, जिनका
वास्तविक नाम तेंजिंग गियात्सु था, इन्हें 1989 में शांति के लिए मिला। बराक उमावा इन्हें 2009 में मिला। जिनी कार्टर इन्हें 2002 में मिला। बुडरी विल्सन इन्हें 1919 में मिला। थियोडोर रोजवेल्ट इन्हें 1906 में मिला। चलिए अब एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला वो भी देख लेते हैं। जे वाल्डीन भौतिकी में 1956 में और 1972 में मिला इन्हें। 56 वाला ट्रांजिस्टर के लिए मिला था और 72 वाला अति चालकता के लिए मिला था। चलिए मैडम क्यूरी को देख लेते हैं। इन्हें 1903 में भौतिकी के लिए, 1911 में रसायन के लिए। तीसरा एल पाउलिंग, इन्हें 1956 में रसायन के लिए, 1962 में शांति के लिए। चौथा है जी एफ सेंगर, रसायन में मिला इन्हें, 1958 में मिला, 1980 में मिला। और रेड क्रॉस सोसाइटी थी जो शांति के क्षेत्र में, इसे 3 बार मिला, 1917, 1944, 1963। और UNSCR ये भी एक संस्था है, इसे शांति के लिए 1954, 1981 में मिला, 2 बार इसे भी मिला। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 2017 और 2018 के नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिए। चिकित्सा के क्षेत्र में देख लेते हैं 2017 में किसे मिला। यह व्यक्ति हैं जेफरी सीहॉल, यूएसए के थे। माइकल रोजवास, ये यूएसए के थे। माइकल डब्ल्यू यंग, ये भी यूएसए के थे। इन्हें मिला था मानव शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी विसर्पक किए गए शोध के लिए। और 2018 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है जेम्स पी एलिसन, यूएसए के हैं, और तसाकू होंजो जो जापान के हैं। इन्हें कैंसर थेरेपी की खोज के लिए मिला है। तो याद रखना दोस्तों, 2017 में 3 लोगों को मिला है, 2018 में 2 लोगों को मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में देख लेते हैं 2017 में किसे किसे। व्यक्ति हैं रेनर बीस, जर्मनी के। बेरी सी परिस, ये यूएसए के। किप एस थोरने, यूएसए के। इन्हें मिला है लीगो डिटेक्टर में निर्णायक योगदान और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अवलोकन के लिए। अब यहाँ 2018 को भौतिकी में किसे किसे मिला है, तो 3 लोग हैं, आर्थर अस्किन यूएसए के हैं, जिराइड मोरो फ्रांस के हैं, डोना स्टिकलैंड जी कनाडा के हैं। इन्हें मिला है लेजर भौतिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य के लिए। अब रसायन के क्षेत्र में देख लेते हैं, तो 3 व्यक्तियों को मिला था 2017 में। जेक्स डोवोकेट स्विट्जरलैंड के थे, जोचिंग फेंग जर्मनी के थे, और रिचर्ड हेंडरसन स्कॉटलैंड के थे। इन्हें बायोमोलिक्स के सॉल्यूशन के उच्च संकल संरचना निर्धारण के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विकसित करने के लिए मिला था। वो अभी जो 2018 में 3 लोगों को मिला है, फ्रांसिस एच अर्नाल्ड यूएसए के हैं, जॉर्ज पी स्मिथ यूएसए के हैं, सर ग्रेगरी पी बेंटर ये यूके के हैं। 2 लोग यूएसए के हैं और सर ग्रेगरी पी बेंटर यूके के हैं। सर पी स्मिथ और सर ग्रेगरी पी विंटर को संयुक्त रूप से मिला है। जो फर्स्ट है ये फ्रांसिस एच अर्नोल्ड को मिला है एंजाइम के निर्देशित विकास के लिए, और जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेगरी पी विंटर को संयुक्त रूप से पेप्टाइड्स और एंटीबॉडी के फेज डिस्प्ले के लिए मिला है। चलिए अब साहित्य का देख लेते हैं। इसमें 2017 का जो काजू इसी गोरो को मिला था, जापान के थे जी, और इन्हें मिला था अपने बेहद भावुक उपन्यासों से दुनिया के साथ संपर्क कर हमारी मायावी समझ की गहराई पर से पर्दा उठाया, इसके लिए इन्हें मिला था 2017 में। और इस बार का बता दें, 2018 का नोबेल प्राइज नहीं दिया गया किसी को। चलिए अब अगला देख लेते हैं। शांति का देखते हैं। शांति
शांति का मिला है 2017 का ICAF, एक संस्था थी उसे मिला था, ऑस्ट्रेलिया की है जो, इसे मिला था। दुनिया में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बाद भयावह परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए उनके प्रयासों की वजह से मिला था। और 2018 का शांति का नोबेल प्राइज डेनिस मुकवेगे और कांगो के हैं जी, नाडिया मुराद हैं जी इराक की हैं, इन्हें यौन हिंसा के उपयोग को खत्म, जागरूकता फैलाने की अपने प्रयासों के लिए मिला हुआ है। तो 2017 का जो एक संस्था को मिला था ICAN, और इस बार का 2018 का डेनिस मुकवेगे जो कांगो के हैं और नादिया मुराद ये इराक की हैं। अब हम आर्थिक विज्ञान में देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स। तो व्यक्ति 2017 में रिचर्ड एच थालर यूएसए के थे, इन्हें व्यवहारिक अर्थशास्त्र में योगदान के लिए मिला था। और इस बार दो लोगों को मिला है 2018 का, विलियम डी नॉर्डहॉस यूएसए के हैं, पॉल एम रोमर यूएसए के हैं, दोनों यूएसए के। तो इन्हें मिला है जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास पर खोज के लिए। तो चलिए हमने देख लिया 2017 का, 18 के सब कुछ जान लिया है लगभग लगभग। चलिए दोस्तों, ख़त्म करते हैं यही इस लेक्चर।